अच्छा, व्हाई यू वांट टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल? मुझे लगता है मैं बहुत थोड़ा नहीं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी शायद, इसलिए मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ कि मुझे करना है, मुझे कॉन्फिडेंट आएगा मेरे ऊपर कि यस मैंने मैराथन में पार्ट लिया है, विच विल चेंज माई थिंकिंग टुवर्ड्स मी। ओके, सो हमें जो भी ड्रीम लिखना है ना उसके नीचे लिखो बिकॉज आई वॉन्ट टू डेवलप माई कॉन्फिडेंस, क्योंकि वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और हो सकता है अगर आपको कॉन्फिडेंस अगर मैं ऐसे ही आपको बढ़ा दूं दो दिन में तो फिर आप मैराथन नहीं रन करोगे, क्योंकि आपका वाई बहुत छोटा है ना? तो कोई भी ड्रीम में हमें सबसे पहले वाई क्लियर करना है फ्रेंड्स, वाई। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो क्यों चाहिए हेल्थ? आपको डायबिटीज फ्री होना है तो डायबिटीज फ्री क्यों होना है? आप क्या करोगे डायबिटीज फ्री होके? आप मैराथन रन करोगे या आप कोई डांस करना चाहते हो या आप कोई जिम कुछ अलग तरह की एक्टिविटी करना चाहते हो या कोई ऐसी डिश खाना चाहते हो जो अभी डायबिटीज नहीं खा पा रहे हैं? तो आपको वाई क्लियर होना है बहुत फ्रेंड्स। तो उसको वाई को आप लिखिए कि जो भी ड्रीम लिखे उसमें वाई क्लियर करें। और सेकेंड है फ्रेंड्स, अगर आप शुगर है या बीपी है तो आप उसमें आप उसका आइडियल रेटिंग लिखिएगा कि आई एम सो ग्लैड कि माई ब्लड शुगर रीडिंग इज, जो भी उसका आइडियल है फ्रेंड्स जो होता होगा उसका आइडियल शुगर का जो रीडिंग वो लिखे एंड लिखे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ग्लैड माई ब्लड प्रेशर इज 70 बाय जो भी उसका नॉर्मल रहता है फ्रेंड्स वो लिखे एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से हमें ये ड्रीम्स लिखने हैं। सो आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर। और एरिया जो है वो हेल्थ आएगी और ये आपका ऐसा ये इस तरह से आएगा IPPR में। हमें चेक करना है कि जो भी हमने लिखा है वो IPPR में है कि नहीं। IPPR का मतलब है आई एम ग्लैड से स्टार्ट करना है, P यानी पॉजिटिव, सेकेंड P यानी प्रेजेंट, R यानी हमें बार बार रिपीटेशंस करने हैं इसके, जो भी हमने लिखा है उसको हमारे माइंड में रिपीट करना है दिन भर ड्रीम्स को। सेकेंड है कैरियर एंड वर्क। सो कैरियर एंड वर्क में ना आप जॉब ले सकते हो, जॉब में आपको किस तरह का जॉब चाहिए? फ्रेंड्स मेरी आवाज इक्को आवाज नहीं अच्छे से आ रही है। ओके, सो जॉब में आपको देखना है कि आपको किस तरह का बॉस चाहिए, कैसी कितनी सैलरी चाहिए, जॉब में आपका एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए और कितने घंटे का जॉब चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए। अगर आपको उसमें बिजनेस चाहिए तो आपके बिजनेस के कितने ब्रांचेस होंगे और कितना फैला हुआ बिजनेस होगा और फ्रेंड्स उसमें नेट प्रॉफिट क्या होगा, परफेक्टली उसमें लिखना है फ्रेंड्स। क्योंकि कई बार कई लोग लिखते हैं 10 लाख ही खर्चा हो जाता है और बिजनेस में कुछ नहीं प्रॉफिट मिलता है, तो हमें नेट प्रॉफिट लिखना है। जो आप लिखोगे उस बिजनेस में कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है वो जरूर लिखना है ड्रीम में फ्रेंड्स। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आप अपने अंकल आंटी पड़ोसी चाचा हस्बैंड, आप सबसे क्या रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं, कैसा डिजायर रिलेशनशिप आप चाहते हैं, उसके आपको ड्रीम्स बनाने हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं कि हस्बैंड, तो हस्बैंड के साथ आप लव केयर सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग अलाइनमेंट या रोमांस क्या चाहते हो, उस तरह का आपको ड्रीम लिखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे हस्बैंड से बहुत ही हैप्पी रहना चाहती हूँ तो लिखो वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स एवर, हम एक अपने आप में माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड इज बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, हम दोनों में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, वी आर सो ग्लैड कि वी आर हैविंग सो ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग एंड वी लव ईच अदर। तो इस तरह से आपको आपके हस्बैंड के लिए अफर्मेशंस लिखने हैं और फ्रेंड्स इसको बाद में रिपीट करना है। उसके बाद आता है मनी एरिया। मनी में आप आपके इन्वेस्टमेंट्स लिख सकते हो, आपका ड्रीम हाउस लिख सकते हो, आपको कैसा ड्रीम हाउस चाहिए, 6 बेडरूम 9 बेडरूम्स का बंगला चाहिए विथ स्विमिंग पूल चाहिए विथ गार्डन चाहिए, उसका सामने का व्यू कैसा होगा, बीच चाहिए, कौन सी सिटी में चाहिए,
और स्टेशन से कितना दूर चाहिए, उसका जो अमाउंट है जो खरीदोगे तो कितना होगा, या जो फ्लैट है उसका मेंटेनेंस क्या होगा फ्रेंड्स, और आपके बेडरूम से सनसेट दिखेगा या सनराइज दिखेगा, किचन से सनसेट दिखेगा या सनराइज दिखेगा, हर चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लिखनी है फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि यूनिवर्स को आपकी भावनाएं आपकी वाइब्रेशन समझती है फ्रेंड्स, आप जो भी लिखोगे वो समझेगा। जैसे कि किसी ने एक जोक ही समझ लीजिए इसको, उन्होंने लिखा था मुझे बहुत सारी गाड़ियां चाहिए आसपास में, तो वो ट्रैफिक हवलदार हो गया, आसपास में बहुत गाड़ियां हैं, तो हमें इस तरह का ड्रीम नहीं लिखना है फ्रेंड, इट्स अ जोक। सो बी केयरफुल कि आप क्या लिखते हो क्या बोलते हो फ्रेंड्स, सो इट्स अ वेरी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स कि हमें ट्रैफिक हवलदार नहीं होना है, आसपास में BMWs घूमती है मगर वो हमारी नहीं है। सो फ्रेंड्स आपको अगर जैसे मैंने बताया मनी के एरिया में इन्वेस्टमेंट लिखिए, साल का इन्वेस्टमेंट्स क्या रहेगा, आपकी पॉलिसीज क्या रहेगी, बंगलोस कौन से रहेंगे, कितना आप ज्वेलरी लेना चाहते हो, सब कुछ। और पर्सनल डिजायर्स में रहेगा, जैसे मेरा है 10 लाख फॉलोअर्स इन यूट्यूब और वैकेशन इन वर्ल्ड टूर मेरा है, फिर है जैसे मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे म्यूजिक में मैं गिटार बजाती हूँ मगर और उसमें एक्सपर्ट होना है फ्रेंड्स, और जैसे कोई एरिया में आपको लीडरशिप लेनी है या आपको कोई एरिया में लीडर बनना है, तो वो कौन सी एरिया है, जैसे लाइन्स क्लब है या पॉलिटिक्स है या कोई सोसाइटी है, वो ड्रीम्स लिख सकते हैं आप। जैसे मटेरियल्स में आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स के मटेरियल चीजों में आप लिख सकते हैं, जैसे आपको BMW कार चाहिए तो कौन से कलर की चाहिए, उसमें क्या एसेसरीज अंदर होगी, और फरारी कार चाहिए या डायमंड रिंग चाहिए तो वो जो डायमंड है वो कितने कैरेट का होगा वो भी लिखना है फ्रेंड्स, कितने कैरेट का होगा, उसका कलर कितना होगा, उसकी कीमत क्या होगी, वो किस तरह से दिख रहा होगा जब आप लेंगे, वो सभी कुछ फ्रेंड्स माइनर माइनर चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लिखना है फ्रेंड्स, एक एक चीज आपके ड्रीम्स को। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, जैसे अगर हम होटल में गए हैं और होटल में जाके हमने बोला वेटर को, और वेटर का नाम है थॉमस, वेटर को कह दिया वेटर प्लीज कुछ भी लाओ, पहले तो हम गए वहां पे कंफ्यूज हैं, आसपास में सभी के प्लेट में देख रहे हैं लोग क्या खा रहे हैं, काफी देर तक कंफ्यूज है, फिर हम थॉमस को वेटर को बुलाया, उसको पूछा आपका नाम क्या है, उसने बोला थॉमस, तो बोले सर क्या लाऊं, बोले एक काम करो तुझे जो पसंद है ले आ। तो फ्रेंड्स वो कैथलिक है तो वो जो खाता होगा, जैसे हम तो मारवाड़ी है तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, मगर जो वो खाते क्या बोलते हैं उसको, क्रैब्स अंडा और वो चिपकली, अगर वो सब लेके आया वो, तो फ्रेंड्स सोचो हम वेज का क्या होगा, वेजिटेरियंस का क्या होगा जब हम बोलते हैं कुछ भी ले आ। तो ऐसे आपको यूनिवर्स कुछ भी दे देगा फ्रेंड्स, और यही हमारी कमजोरी है फ्रेंड्स कि हमें जो नहीं चाहिए उस पे ही फोकस है और वो हमें मिल जाता है और फिर वो खाना पड़ता है नॉनवेज। कहने का मतलब है बहुत ही दर्द होता है उसको खाते समय, या समझ लो कि वो बहुत ऑयली फूड लाएगा या बहुत ही मिर्ची वाला लाएगा तीखा, तो भी आप उसे खा नहीं पाओगे, तो हमारी मेहनत खराब हो गई ना जो ऑर्डर दिया। सो फ्रेंड्स सेकंड में अगर हम देखें तो हम इस तरह से ऑर्डर देंगे, सबसे पहले मेनू मंगाएंगे, वेज या नॉन वेज देखेंगे, हमने वेज सेलेक्ट किया तो वेज में हम बोलेंगे हमें पालक पनीर चाहिए, पालक में हमें हल्का सा बटर चाहिए, 2 नान चाहिए, काफी क्रिस्पी होने चाहिए नान, उसके साथ एक बूंदी का रायता चाहिए, रायते में हल्के आप टमाटर डाल सकते हो, उसके बाद मुझे 1 गिलास पानी चाहिए जिसमें हल्की बर्फ हो, एक मुझे पापड़ चाहिए जो काफी क्रिस्पी और बढ़िया पापड़ हो लेकर आना, और एक चटनी चाहिए जिसमें बिल्कुल मिर्ची कम हो। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यूनिवर्स को किस तरह से ऑर्डर करना है। सो फ्रेंड्स थैंक यू, आज जो हमारा ये अदृश्य मैनेजर है सभी को यहाँ से साथ में लेके जाना है और फील करना है फ्रेंड्स, जैसे हम हमारे सोल को फील करते हैं, हमारे हार्ट को फील करते हैं, वैसे फील करना है कि हर पल हमारे साथ एक अदृश्य मैनेजर है जो चल रहा है, और हम जहाँ भी रुक के पलक झपका रहे हैं यानी हम उसको कह रहे हैं कि इस चीज के लिए धन्यवाद लिख,
धन्यवाद लिखो आप, तो वो हमें अभी जो रोना बहन है वो हमें एक मतलब सबकॉन्शियस माइंड का एक मेथड बता रही है फ्रेंड्स, जिसमें हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ अंदर फील करना है, यस इस चीज के लिए भी धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद। तो वो तुम्हें क्या करना है, वो खाली बता देना है अपने दिमाग में, उस मैनेजर को बता देना है भाई देख मुझे इसके लिए भी लिखना है धन्यवाद, अब मैं आ गया हूँ, आज मैं ट्रेन से बरोबर आ गया, ट्रेन के लिए लिख लो, खाली एक एक रिमाइंडर आपके माइंड में चला जाए कि यस इस चीज के लिए भी धन्यवाद। तो आज का जो एक्सरसाइज है फ्रेंड, हर एक छोटी सी छोटी चीज को हमारे माइंड को धन्यवाद करना है, और वो माइंड कौन है हमारा, अदृश्य मैनेजर है, वो हमारा एक अदृश्य मैनेजर है जो हर पल हमारे साथ है, उसे हर एक चीज हमें खोजनी है और उसे लिखाना है, इसके लिए धन्यवाद लिखो, इसके लिए लिखो, हमने आज तक इसके लिए नहीं किया था, हमारे कपड़ों के लिए नहीं किया, कभी हमने हमारे जूतों के लिए नहीं किया, कभी हमने हमारे ट्रैवलिंग के लिए नहीं किया, हम जो ट्रैवल करते हैं उसके लिए, हमारी गाड़ी के लिए, हमारे गैरेज वालों के लिए, जिस गाड़ी में हम बैठ के एक से दूसरी जगह जाते हैं, जब गैरेज में वो रिपेयर होके आती है, उन गैरेज वालों को धन्यवाद, वो जो हवा भरते हैं 2 रुपए की टायर में, उनके लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आज कई अनगिनत लोगों के लिए हमें धन्यवाद लिखाना है इस अदृश्य मैनेजर को। सो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है फ्रेंड्स, आइए अभी हम थोड़ा सा एक मेडिटेशन करेंगे, और जो भी लोग मैजिक वर्क वर्कशॉप के लिए आए हैं फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने वर्कशॉप पोस्टपोन किया है मैजिक वर्क का, हम लोग कल ही करने वाले हैं फ्रेंड्स, आज मैं बॉम्बे निकल रही हूँ, यहाँ से ट्रैवलिंग है मेरा, हम लोग कल जरूर लेंगे बॉम्बे से ही, आज हमने पोस्टपोन किया है, सलमा ने मैसेज आपको डाल दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन, सभी लोग रिलैक्स हो जाएं, विंडोज ओपन कर लें, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास ले। आज का जो ये एक्सरसाइज है सभी लोग अच्छी तरह से देखिएगा, हल्का सा ध्यान देने योग्य है फ्रेंड्स, ये इसलिए है ताकि हमारे जो भी चक्र अगर आगे पीछे हुए हैं या कहीं पर बंद है तो वो खोलने भी हैं हमें, और हमें हल्का सा ट्रांस में जाना है, तो हमें लंबी गहरी श्वास लेनी है, हाथ सभी लोग ऐसा ऊपर करें, लंबी गहरी श्वास ले और ऐसे छोड़ दें, लंबी गहरी श्वास ले, डीप श्वास लेनी है ताकि पेट बाहर आएगा और फिर पेट अंदर जाएगा, लंबी गहरी सांस लें, ऐसे हमें फ्रेंड्स 30 टाइम्स करना है, और घर में आपको ऐसे 30 टाइम्स के 3 सेट्स करने हैं, यहाँ पे मैं एक ही सेट कराऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इससे आपके 7 बिलियंस जो सेल्स है हमारे बॉडी में, जो ऊर्जा के जो छोटे छोटे कण है फ्रेंड्स, सभी एक्टिव हो जाएंगे, और आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी, सभी सेल एक्टिव हो जाएंगे, तो उससे हमें बहुत बहुत एनर्जी आएगी फ्रेंड्स, और उसके बाद हम ट्रांस में जाके आज ग्रेटिट्यूड की मेडिटेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, डीप ब्रीथ करना है फ्रेंड्स, हाथ ऊपर लेना है और जोर से छोड़ना है, मगर झटके से, बहुत ज्यादा झटका भी नहीं, मुझे एक बार देखिए इस तरह से करना है, और हमें ये 30-30 के 3 सेट्स करने हैं, जब आप मेडिटेशन में जाओगे फ्रेंड्स बहुत ही डीप मेडिटेशन, आज आपको सिर्फ 30 करना है, ताकि मैं ये आपको सिखा रही हूँ, ताकि आप घर में सुबह में कहीं भी जब आपको एनर्जी फील कम हो रही है, लो फील कर रहे हो, आप इसको कर सकते हो, बहुत ही एनर्जी फील करोगे फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के 7 बिलियन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं इससे। ओके लेट्स स्टार्ट, यस 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, last 3, 27, 28, 29,
30 आंखें बंद ही रखे वेरी नाइस ब्यूटीफुल. जिन्होंने भी 30 बार किया है आंखें बंद रखे, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, रिलैक्स, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग.